साबिर पाक दरगाह के आसपास से अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं। दरगाह प्रबंधक के बार बार लिखित रिपोर्ट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को देने के बाद भी वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। साबिर पाक दरगाह में देश विदेश से लोग आते हैं, इस वजह से यहां पर भीड़ काफी ज्यादा रहती है। दरगाह के आसपास दबंगों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिससे आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरगाह प्रबंधक रजिया ने आसपास के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं इस मामले को लेकर धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द ही नियम अनुसार जल्द कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थल हो, चाहे हम आर्किपेडी की बात करें या फिर कलियर इसकी बात करें, तो उसमें हर धार्मिक स्थल को सुंदर होना जरूरी है। एस्थेटिकली उसको बाहर से हो अंदर से हो, अगर पूरे सामंजस्य के साथ हम एक सुंदर दिखने वाला करें तो वो एक इम्पैक्ट जितने भी श्रद्धालु आपके आते हैं देश विदेश से उनके लिए अच्छा है। और जो ये मैटर आया है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है। अगर ये पूर्व में इनको शिफ्ट होना था, उनके स्थान पर उनको नई दुकानें दी जानी थी और उनको अलॉट भी कर दिया है, तो कानूनन या फिर नियमानुसार उन लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो प्रबंधन को चाहिए था कि उनको शिफ्ट करते, अगर नहीं किया तो किन कारणों से किया, ज़रा इसको मैं एक सप्ताह के अंदर आपके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेके आगे अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएँ। हम इंक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलिया क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था वो हटवाया, सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी, जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।